मुंबई से बेघर। 6 अप्रैल 1933 को जब मैं मुंबई पहुंचा, मुझे ज्ञात हुआ, चूंकि मैं अपने विश्वास को छिपाकर नहीं रख सकता था, इसलिए मेरे माता पिता मुझे घर नहीं आने देंगे, इसलिए मैंने अपना कार्य मुंबई में ही शुरू किया। मैंने अपना सामान एक कोने में रख दिया और सड़क के किनारे सुसमाचार के पर्चे शहर के अनेक हिस्सों में ले जाकर बांटने लगा। यह कार्य प्रातःकाल से मध्य रात्रि तक चलता रहता था। जब कोई रुचि लेने लगता था, वह कहता, आप मेरे साथ होटल चलेंगे कि थोड़ी बातचीत करें, हम एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। तब वह अपने साथ मुझे चाय तथा कॉफी का प्याला पीने के लिए आग्रह करता। वह चाय का प्याला मेरा नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन होता था। ऐसे मुंबई में 7 माह तक चलता रहा। जब मैं यहाँ वहाँ पर्चे बांटते हुए जाता, लोगों से बातचीत करता था। यदि कोई रुचि लेता था तो मैं उन्हें सड़क के किनारे खंबे की रोशनी में आमंत्रित करता और वहाँ हम सुबह के 2 बजे तक बातचीत करते। इस प्रकार मैंने धर्मशास्त्र में से हिंदुओं और मुसलमानों को उद्धार का मार्ग दिखाया। जब वे लोग वहाँ से गुजरते थे, वह गली मेरा घर था, खंबे की रोशनी ही मेरी रोशनी, वहीं पर ही मैं अपना मनन किया करता था। फिर भी वे दिन बहुत आनंद से परिपूर्ण थे। मैं उन समस्त दिनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्हीं दिनों प्रभु मेरे प्रति अत्यधिक करीब व प्रिय बनते जा रहे थे। कुछ सप्ताह बाद कराची से मेरी बहन का पत्र आया कि आकर कुछ दिन उनके साथ रहे। उन्हें पिताजी से पता चला था कि मैं भारत लौट आया था और मुंबई में नौकरी की तलाश में था। उन्होंने उसे यह नहीं बताया था कि मैं क्रिश्चियन बन गया था। जब मैं उसके घर पहुंचा और उसे पता चला कि मैं मसीही बन गया था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस था कि वह अपने सास ससुर के डर से उन्हें अपने घर में नहीं रख सकती। मुझे उसके घर को छोड़ना पड़ा और अनेक दिन एक सार्वजनिक पार्क में बिताए। मैंने कराची में 6 आने से अपना कार्य शुरू किया। इस पैसे से मैंने 12 सुसमाचार किताबें खरीदी, उन्हें बेचकर उस धन से और सुसमाचार किताबें खरीदी। इस प्रकार मैं सुसमाचार किताबें खरीदता व बेचता रहा। यदि कोई प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहता तो मैं उन्हें पेड़ के नीचे ले जाता और उन्हें प्रभु यीशु के बारे में बताता था, और प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने लगा। कराची में आत्माएं जीतना। एक दिन बाजार में जाते हुए एक युवक से मेरी भेंट हुई। पहले तो वह मुझे टालकर जाना चाहता था, परंतु मेरे उससे आग्रह करने पर सुनने के लिए तैयार हुआ। उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैंने उत्तर दिया, मैं एक मसीही हूँ और प्रभु ने मुझे उद्धार दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कैसे मुझे बचाया। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारा धर्म नहीं चाहिए, मैं जीवन से तंग आ चुका हूँ और समुद्र में कूद कर आत्महत्या करना चाहता हूँ। इस पर मैंने आग्रह किया, ठीक है तो कल तक इंतजार क्यों नहीं कर लेते, चंद घंटों में कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। वह इस सुझाव पर सहमत हो गया, इसलिए मैं उसे एक छोटे पार्क में ले गया, जहां बैठकर मैंने बाइबल से कुछ पद पढ़कर सुनाए। वह कहने लगा उसे अच्छा लगा और अगले दिन तक इंतजार करेगा। वह जानना चाहता था कि क्या अगले दिन मेरी भेंट उससे हो सकेगी। हम सहमत हुए कि कल हम इसी पार्क में मिलेंगे और बातचीत के बाद वह आत्महत्या कर लेगा। बातचीत के पश्चात उसने कहा कि वह आत्महत्या नहीं करेगा, परंतु उस स्वर्गीय आनंद के बारे में और अधिक जानना चाहेगा जिसके बारे में मैंने बताया था। इस प्रकार अद्भुत तरीके से प्रभु मुझे आत्माएं देने लगा। मुझे याद है एक प्रातःकाल 1 बजे मैं भी सोने ही गया था और बहुत थका हुआ था। मैंने एक आवाज सुनी, उठ और बाहर जा। मैंने उत्तर दिया, मैं थका हुआ हूँ और मेरी टांगे भी दर्द कर रही है और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। परंतु वह आवाज़ फिर से सुनाई दी, उठ और बाहर जा। मैंने बुड़बुड़ाते हुए वह कोट पहना जिसकी जेब में कराची महानगर के सभी भाषा भाषी लोगों के लिए सुसमाचार के पर्चे रखे रहते थे। उस घड़ी जो ही मैं बाहर निकला, मेरी भेंट कुछ लोगों से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ बोलूं। मैंने बाइबल खोली, कुछ पद पढ़े तथा उन्हें अपनी गवाही दी। उनमें से एक कुलकर्णी नामक व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। मैं बहुत दुखी था और मुझे बाइबल की आवश्यकता थी, क्या आप मुझे एक बाइबल देंगे? उसने एक बाइबल खरीदी तथा प्रभु यीशु पर विश्वास किया। भारत में इन खोजी आत्माओं से मिलना कितना आनंददायक था। सिंध की यात्रा।
प्रार्थना द्वारा मुझे पता चला कि कराची से 155 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जाना है। मैंने एक मित्र से साथ चलने का आग्रह किया और हम दोनों निकल पड़े। उस प्रांत की भाषा सिंधी है और मैं केवल बोलचाल की सिंधी ही जानता था। वहां पर कुछ मुस्लिम भाई थे जो सिंधी और उर्दू जानते थे और उनमें से एक मेरे लिए अनुवाद करने के लिए तैयार था। गांव पहुंचने पर मैंने उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसे सिंधी और उर्दू दोनों भाषाएं आती थी। हमें बताया गया कि एक मुसलमान है जिसे दोनों भाषाएं आती है। जब हमने उसका पता पूछा तो हमें बताया गया कि वह तो एक रात पहले ही मर चुका था। हमने कहा, वह तो फिर किसी काम का नहीं। मैंने प्रभु से फिर पूछा, अब क्या करूं? हम दोनों नदी के पास गए तथा मिलकर 2 घंटे तक प्रार्थना किया। प्रार्थना के अंत तक हमारे कपड़े रेत से सन चुके थे। प्रभु ने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तू जाए और सिंधी में बोलना शुरू करे। मैंने कहा, प्रभु मैं सिंधी में कैसे बोलूं? मुझे तो केवल चंद शब्द ही आते हैं। प्रभु ने कहा, जा और बोल। हम गांव पहुंचे और एक छोटी सी भीड़ जमा की। मैंने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपकी भाषा अच्छी रीति से नहीं जानता हूं। परंतु शब्द आते गए और विचार आते गए। मैं नहीं जानता कि कैसे हमने परमेश्वर के योग्य हाथ की अगुवाई को होते देखा। अगली सुबह एक आवाज आई, नदी पार करो और बनो नामक गांव में जाओ। हमने नाव से नदी को पार किया और शाम लगभग सूर्यास्त के समय हम गांव पहुंचे। हम गांव के मध्य में गए। वहां हमने सुसमाचार के पर्चे बांटे। एक मुस्लिम भाई आकर गंदी भाषा बोलने लगा क्योंकि वह हमसे बहुत क्रोधित हुआ। उसने हमसे कहा, तुम इस गांव में क्यों आए हो? तुम मसीही लोग यहाँ पर स्वर्ग के बारे में प्रचार नहीं कर सकते। हमने उससे कहा कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, परंतु प्रभु ने हमें भेजा है। हमने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसी का संदेश सुनाने आए हैं। हम मिशनरी नहीं है, परंतु परमेश्वर का संदेश लाए हैं। फिर वो पूछने लगा कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं। हमने कहा कि जहाँ हम खड़े हैं यहीं रुकेंगे। फिर उसने हमारे भोजन के लिए पूछा। हमने उत्तर दिया कि हमें नहीं पता। तब उसने हमसे निवेदन किया कि हम उसके घर पर रुके तथा वह लोगों को हमारा संदेश सुनने के लिए आमंत्रित करेगा और उसने अनुवाद करना भी मान लिया। मैंने सोचा कि शायद वह हमें फंदे में फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने प्रार्थना किया। प्रभु ने मुझे बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, परंतु उसके साथ जाए। उसके घर के पास एक बड़ा बाड़ा था। हमें भोजन देने के बाद उसने कुर्सियां भी निकाली और अपने नौकरों को भेजकर गांव वालों को बुलाया। गांव के मुखिया ने अनुवाद किया। जब हम प्रार्थना कर चुके और सब लोग घर जा चुके, तब एक मुस्लिम भाई पास में आकर कहने लगे, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? मैं 5 वर्षों से यह इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और प्रभु यीशु के बारे में बताए। किसी ने मुझे लूका का सुसमाचार दिया जिसे मैंने कई बार पढ़ा है, परंतु मैं इसे समझ नहीं सकता। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप मेरे गांव में आए। पूरी रात वह मुस्लिम भाई मेरे पास बैठकर सुनता रहा। उसके बाद उसने एक संपूर्ण बाइबल उर्दू भाषा में खरीदी। रेगिस्तान में जलधाराएं। सिंध प्रांत के निर्जन रेगिस्तान में हम मीलों चले एवं सुसमाचार का प्रचार किया, जहां कोई भी मिशनरी प्रचार के लिए पहले नहीं गया था। उन तक सड़कों पर चलकर उन छोटे गांव में जाने का अनुभव कितना आनंददायक था। बानो गांव से 30 मील चलकर यहां इन छोटे गांव में पहुंचे। हमें बहुत भूख लगी थी। हम पास के एक ग्राम बाजार में गए, परंतु कोई भी दुकानदार हमें किसी भी कीमत पर ना गेहूं ना चावल बेचने को तैयार था। बड़ी मुश्किल से हमें कुछ लाल चावल का आटा मिला, जिसकी हमने 2 बड़ी चपातियां बनाई, परंतु कोई सब्जी ना थी। मांगने पर एक दुकानदार ने हमें घी दिया, जिसमें रेता और पत्थर के टुकड़े मिले थे, जो ऊँटों और गधों को दिया जाता था। उसने हमारी परीक्षा लेने के लिए यह घी दिया था। इस प्रकार लाल चपाती और कंकड़ वाले घी के सहारे हम और 10 मील चलते गए। भले ही वह घी कंकड़ भरा था, भूख के कारण हमने बड़े आनंद के साथ खाया। हम अगले गांव में आए और प्रार्थना किए, हे प्रभु यहाँ पर कोई मसीही हो तो हमें वहाँ ले चल। गांव के एक छोटे बालक ने आगे आकर हमसे कहा कि हमें वह एक मसीह के घर पर ले जाएगा। हमारी भेंट एक ख्रिस्ती से हुई। उन्होंने हमें भोजन दिया। हमने उन्हें बताया कि परमेश्वर ने हमें वहां सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा है।
वह हमारे साथ चले और हमने एक मंदिर के पास सभा का आयोजन किया। हम बोझ से भरे हुए थे। प्रार्थना करने के बाद हमने प्रभु का संदेश दिया। हमें याद नहीं कि उस दिन वहां पर कितनी बाइबलें बिकी, परंतु बड़ी संख्या में लोगों ने आकर बाइबल खरीदी। याद रखें कि ये योजनाएं रोज हमें प्रभु से प्रार्थना में मिलती थी। वहां से प्रार्थना के साथ हमें अगले गांव जायशल में भेजा गया। यह एक छोटा सा गांव था जहां सब पत्थरों का काम करने वाले लोग थे। पहली रात्रि में ही अनेक लोगों ने प्रभु को अपनाया। प्रभु स्वयं ही उन्हें अपनी ओर खींच रहा था।